हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि इलियास जो है वो सभी को अपने पास ही रोक लेती है नाइट में, एंड उस वक्त वो उसके साथ थोड़ी सी छेड़खानियाँ वगैरह कर रही होती है। लेकिन फिर सभी उसे कहती है कि इलियास, अगर तुम मुझे सोने नहीं दोगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो इलियास कहती जाके दिखाओ। तो सभी कहती है कि ये पैदा तो कम नहीं आएगा। इलियास, तुम्हें पता है ना मैं दो रातों से ठीक से नहीं सो पाई हूँ, तुम प्लीज़ मुझे सोने दो। तो उसके बाद इलियास होती है वो सभी को सोने देती है, क्योंकि उसे भी रियलाइज़ होता है कि क्या तो सभी बिल्कुल ठीक ही है। तो उसकी अगली सुबह सभी एकदम रेडी हो जाती है ऑफिस जाने के लिए, लेकिन वो इलियास का वेट भी कर रही होती है कि एक बार वो उठ जाए, मैं उसे कह के फिर चली जाऊँगी। लेकिन इलियास को जब ये पता चलता है कि सभी जा रही है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा लगता, और वो थोड़ा सा ना मतलब रूडली बिहेवियर करने लग जाती है सभी के साथ। तो सभी को समझ में आ जाता है ना कि ये मुझे नहीं जान लेगी। तो कहती ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊँगी। एंड उसके बाद इलियास जो है वो ब्रेकफास्ट कर रही होती है, लेकिन ब्रेकफास्ट करते करते भी वो सभी के साथ थोड़ी सी छेड़खानियाँ कर रही होती है, मतलब जानबूझ के उसे तंग कर रही होती है। और जब वो अपने रूम में जा रही होती है तो वो इशारों में सभी से कहती है कि सभी ऊपर आओ, लेकिन सावी उसे इनकार कर देती है। तो इलियास फिर से कहती है कि सावी ऊपर, और उसके बाद इलियास तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन सावी सोच रही थी कि अगर मैं नहीं गई तब भी मुझे तंग करेगी, और जाऊँगी तब भी मुझे तंग करेगी, तंग होना तो वैसे भी है, तो फिर इसकी बात मान के हो जाती हूँ। सो सावी जो होती है फिर इलियास के रूम में चली जाती है। लेकिन जब वो रूम में जाती है सो उसी वक्त इलियास ने अपनी शर्ट को रिमूव करके सिर्फ वेस्ट डाला होता है, तो सभी से देख करके थोड़ा सा शौक हो जाती है और अपनी नज़रें फेर के वो इलियास से कहती है कि तुम दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती हो क्या। तो इलियास कहती है नॉक करके नहीं आ सकती हो क्या। तो सभी कहती है कि नॉक मुझे क्या पता, खुद ने तो मुझे बुलाया था। तो इलियास कहती है हाँ तो मैंने बुलाया था, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम बिना नॉक करके आओगी सभी। तो सभी कहती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो इलियास कहती है ओहो, वैसे तुम मुझसे इतनी नज़रें क्यों फेर के खड़ी हो, ज़रा मुझे बताओगी। तो सभी कहती है वो तुम, तो इलियास कहती है वो मैं क्या, तुम तो ऐसे नज़र फेर के बैठी जैसे पता नहीं तुमने क्या ही देख लिया हो। सो सभी कहती है कि हाँ वो गलती से। तो इलियास कहती ओ तो बोलती क्यों नहीं हो, गलती से देख लिया तुमने, गलती से। और उसके बाद इलियास सभी को मतलब हाथ पकड़ती है और उसे अपनी साइड पीस करा लेती है। तो सभी कहती है तुम मान जाओ इलियास, मैं इसी वजह से तुम्हें तरफ नहीं देख रही थी, मैं जा रही हूँ। तो इलियास कहती ओ हेलो हेलो हेलो, तुम कुछ ज़्यादा ही आगे पहुँच गई हो सभी, मैं तो तुमसे ये कह रही थी कि मुझे भैंजी टाइप लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो तुम यहाँ पे रुक सकती हो, नो इशू। तो अब सभी को ऐसा लगता है ना मुझे भैंजी टाइप लगा इसने। तो सभी कहती है मैं तुम्हें कहाँ से भैंजी टाइप लगती हूँ इलियास। तो इलियास कहती है भैंजी टाइप ही हो तुम, और वैसे भी जिन लड़कियों को रोमांस नहीं आता उन्हें हम भैंजी टाइप ही कहते हैं, आई समझ में। तो सभी कहती है मुझे बहुत अच्छे से आ गई, अगर मैं भैंजी टाइप हूँ तो तुम क्या हो। तो इलियास कहती है वो तो तुम अपनी आंखें और एक्सप्रेशन देख के पता कर लो मैं क्या हूँ, कोई भी होगा ना देख के समझ जाएगा कि मैं क्या हूँ। एंड उसके बाद स्माइल करके वो मतलब सभी को देख रही होती है, तो सभी को थोड़ा सा गुस्सा लग जाता है। अच्छा ठीक है बहन जी टाइप हूँ ना मैं, तो जा रही हूँ यहाँ से। तो इलियास फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है, अरे बाबा तुम तो नाराज़ हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। तो सभी कहती मुझे ऐसे बेहूदा से मजाक नहीं पसंद है। तो इलियास कहती ओके ओके ओके, बस ये मानना पड़ेगा मैं काफ़ी ज़्यादा हॉट हूँ ना तुम्हें देख कर के। तो सभी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। तो इलियास कहती नर्वस क्यों हुई थी, मैं कौन सा तुम्हारे साथ कुछ कर रही हूँ। तो सभी कहती है अरे तुम्हारा भरोसा नहीं है। तो इलियास कहती है लो तो भरोसा नहीं है तो फिर कर लिया जाता है। सो उसके बाद इलियास होती है वो सभी को दीवार के सहारे लगा देती है। तो सभी कहती क्या। तो इलियास कहती क्यों, लस्सी खाने से धड़कने नहीं बढ़ती तुम्हारी। तो सभी कहती नहीं। तो इलियास कहती पक्का नहीं बढ़ रही ना मेरी लस्सी खाने से। तो सभी कहती नहीं बढ़ रही। तो इलियास जो है वो धीरे धीरे सभी की और करीब जा रही होती है, और सभी जो है वो बार बार इनकार कर रही होती है कि नहीं मेरी धड़कने नहीं बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। लेकिन फाइनली जब इलियास उसकी होठों के बिल्कुल करीब होती है तो सभी कहती इलियास बढ़ गई दूर हो जाओ। तो इलियास कहती है क्या हुआ। तो सभी कहती है बढ़ गई धड़कने बढ़ गई, प्लीज़ थोड़ा सा दूर हो जाओ। सो इलियास फिर स्माइल करती है कि देखा इस तरह से धड़कने बढ़ती हैं, इस तरह से
अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा ना कि मैं तुम्हारी धड़कनें बढ़ा देती हूँ सभी। तो सकते हाँ हाँ पर मुझे जाने दो। तो इलास कहती क्यों जाना है? तो सर कहते काम है। तो इलास कहती है कि ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है जो तुम मुझे छोड़ के जा रही हूँ? तो सभी कहते जा नहीं रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ। तो इलास कहती ये हुई ना बात, जा नहीं रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, गुड। लेकिन तुम मुझे बताओगी कि ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है तुम्हें? तो सभी कहती है कि है कुछ ज़रूरी काम, जाने दो। तो इलास कहती है ज़रूरी है? तो सभी कहती थोड़ा सा। तो इलास कहती फिर मैं एक काम करती हूँ, एक बार किस करती हूँ, उसके बाद जाने दूँगी। तो सभी के आगे जाओ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो इलास कहती क्या हुआ? तो सभी कहती मैं वो कह रही थी कि मुझे जाने दो। तो इलास कहती हाँ तो जाने तो दूँगी ना, बस किस करने के बाद जाने दूँगी, चलो किस करती हूँ उसके बाद जाना। तो सभी कहती नहीं प्लीज़ इलियास। तो इलियास कहती क्या हो गया, क्यों इतना घबरा रही हो, पहली बार थोड़ी ना कर रही हूँ। तो सभी कहती है कि वो मैं इलियास ये सब सही नहीं है इलियास, तुम खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं रखती हो, प्लीज़। तो इलियास कहती क्यों ना रखूँ, एक बात बताओ, जब तुम तैयार हो, तुम्हारी धड़कनें मेरे करीब आने से बढ़ जाती हैं, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखता है, बस लबों से इनकार करती हो, तो मैं खुद पे कंट्रोल क्यों करूं? मुझे तो उतना जितना जल्दी हो सके तुमसे ये एक्सेप्ट करवाना है ना। तो सावी कहती है कि देखो फर्स्ट मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे जाने दो, सेकंड। तो इलास कहती है अरे यार ये तुम जाने 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 की पीपड़ी बजाना बंद करोगी क्या? तो सावी कहती नहीं बंद करूँगी, पहले जाने दो मुझे। तो इलास कहती जाए बिना नहीं मानोगी तुम? तो सावी कहती नहीं मैं जाए बिना नहीं मानूँगी, जाने दो ना मुझे इलियास। तो इलियास कहती ठीक है जाओ तुम यहाँ से। तो सभी कहती दोनों हाथ तो हटाओ। तो इलियास कहती ऐसे ही जाओ। तो सभी कहती है कि अब मैं ऐसे कैसे होगी, तुम दोनों तरफ तो मेरे हाथ रख रखे हैं। तो इलियास कहती वो मुझे नहीं पता, जाना है तो 2 मिनट में जाओ, वरना मैं नहीं जाने दूँगी तुम्हें सभी, आई बात समझ में? तो सभी कहती है ठीक है। तो वो सभी जाए फिर इलियास का हाथ हटा रही होती है, पहले राइट पहले हटाती है, लेकिन इलियास की पकड़ तो बहुत स्ट्रांग होती है, वो नहीं हटता। तो सभी फिर लेफ्ट वाला हटाती है, मगर लेफ्ट वाला भी नहीं हटता। तो सभी फिर इलियास की तरफ देखती है कि नहीं जाने दो बिना तुम मुझे, सही तंग कर रही हो तुम। तो इलियास कहती मैं तंग तो नहीं कर रही हूँ, और तुम्हें जाना है तो रास्ता खुद बनाना पड़ेगा ना। तो सभी कहती है कि यार यहाँ पे भी रास्ता बनाना पड़ेगा। तो इलियास कहती यहाँ पे भी और कहाँ बनाती हो? तो सभी कहती है कुछ नहीं मैं सभी होती है फिर हाथों के नीचे से निकल जाती है, मैं निकल गई। तो इलियास कहती यार मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन ये रास्ता ढूंढने में तुम्हें इतना टाइम लग गया, सभी डम्ब हो गया। तो सभी कहती मैं कोई डम्बो वम्बो नहीं हूँ, आई बात तुम्हारे सर में, और मुझे लगा तुम जाने की परमिशन दे रही हो तो सीधे रास्ते से अपने हाथ भी खोल दूँगी, मुझे नहीं पता था कि इलियास कभी कोई काम सीधा तरीके से नहीं करती है। तो इलियास भी हंसने लग जाती है कि राइट यू आर राइट, मैं कभी भी कोई काम सीधे तरीके से कर भी नहीं सकती हूँ। और उसके बाद इलियास फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सभी कहती है कि क्यों जाने नहीं दोगी क्या तुम, फिर से पकड़ लिया? तो इलियास कहती टाइम ख़त्म हो गया, मैंने तुम्हें 2 मिनट कहे थे, 2 मिनट में जा सकती हो तो जाओ, लेकिन तुम्हारा टाइम तो ख़त्म हो गया ना बेबी डॉल, अब तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। तो सभी कहती इलियास प्लीज़ जाने दो, 2 मिनट में तो आ रही हूँ, 2 मिनट में क्या हो जाएगा, तुम इतने अपने कपड़े पहन लो ना पूरे। तो इलियास कहते पूरे, ओ शिट। तो सभी कहती ओ शिट अब तुम्हें अभी याद आया? तो इलियास कहती अरे यार मैं तो भूल ही गई थी। तो सभी कहती हाँ कितनी याददाश्त कमज़ोर हो गई है तुम्हारी, मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए ना एक बार, और उन्हें दिखा के आना चाहिए। तो इलियास जो है फिर सभी के सर पे मारती है, कहती है मेरी भी याददाश्त कमज़ोर है और तुम्हारी भी कमज़ोर है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद को चेक कर सकती हूँ। तो सभी कहती है कि मुझे इस डॉक्टर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है ना, ये फर्जी डॉक्टर है। तो इलियास कहती ओ तुमने मुझे फर्जी कहा, मैं फर्जी डॉक्टर हूँ। तो सभी कहती है और क्या फर्जी कहेंगी। तो इलियास कहते ठीक है ये फर्जी डॉक्टर ना, तुम्हें असली डिग्री दिखाता रुको तुम। सो उसके बाद इलियास जो है वो सभी को उसकी कमर से पकड़ती है और ना मतलब उसे खुदकुदी करती होती है। तो सभी उसे कहती है इलियास छोड़ दो जाने दो, लेकिन इलियास उसे कहाँ जाने दे रही होती है। सो फाइनली इलियास जो है वो सभी को बेड पर गिर देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है
और कहती है कि तो बताओ मैं फर्जी हूँ या रियल हूँ। तो सारी कहती रियल हो, रियल हो, रियल हो, पर प्लीज़ ऐसे मत किया करो, तुम्हें पता है मेरा हंस के पेट में दर्द हो गया। तो इलियास कहती है हाँ तो पेट में दर्द तो हो गई ना, तुमने इतनी फ़नी वाली बात जो करी है मेरे साथ, है ना। तो सारी कहती ये फ़नी था, मुझे लगा तुम्हें गुस्सा आया होगा। तो इलियास कहती हाँ पर गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें भी हंसाया और मैं भी हंसने लग गई। सो सभी कहती है अच्छा ठीक है जाने दो जाने दो। तो इलियास कहती यार कब से जाने की बात कर रही हो, कौन है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, ये कौन है जिसे तुमसे बात करनी है। तो सभी कहती है कि तुमने मुझे रात को रोक दिया था किसी से बात करने के लिए, अभी बात करने दोगी। सो इलियास फिर बेड पर बैठ जाती है कि हाँ जाओ तुम्हें वैसे भी उससे ही बात करनी है ना, पता नहीं कौन लगता है वो तुम्हारे रिश्ते में जिससे इतनी बातें करनी होती है तुम्हें। तो सभी जो है फिर इलियास के शोल्डर पे हाथ रखती है कि अरे वो बात नहीं है, लेकिन इलियास उसका हाथ हटा देती है। तो सभी जो है फिर उसके शोल्डर पे हाथ के साथ साथ अपना सर भी टिका लेती है, कहती है कि यार ऐसा नहीं है, बस काम है, इस वजह से साथ काम करते हैं तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तुम समझ सकती हो ना इलियास। तो इलियास जो है वो वैसे तो मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसे कोई बुरा नहीं लग रहा था, बस वो सभी को तंग कर रही होती है। तो इलियास कहती है कि हाँ मुझे पता है बहाने होते हैं सारे। तो सभी कहती बहाना नहीं है, सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ मैं तुमसे, झूठ नहीं कह रही हूँ। लेकिन इलियास से वो मानी नहीं होती। तो सभी कहती ठीक है नहीं जा रही हूँ, यहीं बैठी हूँ, कहीं नहीं जाऊँगी। तो इलियास जो फिर सभी के साथ फेस करती है सच में। तो सभी कहती हाँ सच में कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, तुम ऐसे मत बनाया करो यार, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती हूँ ना गुस्से में देख सकती हूँ। तो इलियास कहती रियली मैं तो कहो तुम मुझसे प्यार करती हो। तो सभी कहती नहीं। तो इलियास कहती हाँ। तो सभी कहती नो। तो इलियास कहती यस। सभी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो इलियास कहती है हाँ तो फिर मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो। तो सभी कहती वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि क्योंकि तुम मेरी इतनी केयर करती हो, इसलिए मुझे भी तुम्हारी है। तो इलियास कहती है कि हाँ मैं तो प्यार करती हूँ इसलिए केयर करती हूँ, पर तुम क्यों करती हो। तो सभी कहती यार ये क्या बात होती है, वो कहते हैं ना कि गुस्से के बदले गुस्सा, नफरत के बदले नफरत, प्यार के बदले प्यार, मैंने भी दे दिया बदले के बदले में। तो इलियास कहती वाह, मतलब झूठ बोलने की भी कोई हद होती है और तुमने तो हद की भी बेहद कर रखी है। तो सभी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। तो इलियास कहती तुम्हारा सच ना मुझे हजम ही नहीं हो रहा है। तो सभी कहती है अब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ, बताओ तुम कैसे यकीन दिलाऊँ तुम्हें। तो इलियास कहती कोई यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है, और तुम जाओ मैं इतने चेंज कर लेती हूँ। तो सभी कहती हाँ लेकिन तुमने अभी तो कपड़े चेंज करे थे फिर से। तो इलियास कहती अरे भाई कहना कि मैं मेडिसिन लगा रही थी और वो कपड़ों पे गिर गई, सो मैंने चेंज करने थे, ठीक है तो जाओ तुम और बात कर लो, मैं इतने चेंज कर लेती हूँ। सो सभी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो इलियास होती है वो चेंज कर रही होती है। लेकिन सभी विकी को फ़ोन करती, इतने में जी उसके पास किसी का फ़ोन आने लग जाता है। तो सभी जब नंबर देखती है तो उसके डैड का नंबर होता है, तो उसे समझ में नहीं आता कि उसके डैड उसे क्यों फ़ोन कर रहा है। सो वो फ़ोन उठाती है कि हेलो। तो उसके डैड कहते हैं कि सभी मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, मुझसे मिलने के लिए जल्दी से आओ। तो सभी जो होती है वो अपने डैडी से मिलने के लिए जल्दी से नीचे चली जाती है और वहाँ पे उसके जो डैड होते हैं बस उसी का वेट कर रहे होते हैं। तो सभी जब वहाँ पे आती है तो वो उसे सीधे से गले से लगा लेते हैं कि सभी तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं चोट तो नहीं आई ना। तो सभी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। तो उसके डैड कहते हैं मुझे पता चला तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो सभी कहती है अच्छा, नहीं नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कोई ज़्यादा चोट नहीं आई थी, वो बस इलियास। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ इलियास वो ठीक है ना, उसे तो कोई ज़्यादा चोट नहीं आई। तो सभी कहती है हाँ आई थी बट, लेकिन वो पहले से अब ज़्यादा ठीक है ना, और आपको कैसे पता चला। तो उसके डैड कहते हैं वो मैं नज़र रखता हूँ ना तुम पे, मतलब कि मुझे पता चल गया सभी मेरी बेटी के साथ कुछ होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो सभी कहते हैं वैसे आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, और ऐसा था तो आप मुझसे फ़ोन पे बात कर लेते। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और मैं तुम्हें सिर्फ फ़ोन करके ये पूछूँ सभी। तो सभी कहते हैं पापा आज से पहले भी बहुत सी चोटें लगी हैं मुझे, तब भी पूछने वाले आप थे नहीं यहाँ पर। तो उसकी जो डैड है वो थोड़ी सी इमोशनल जाते हैं और उनकी आँखें भर आती हैं। तो सभी कहती है कि पापा शायद आपकी आंखों में कुछ गिर गया। तो उसके बाद बोलते हैं नहीं
कुछ नहीं सावी, कुछ नहीं गिरा। वैसे क्या तो तुम बिल्कुल ठीक ही रही हो ना, आज से पहले भी जब तुम्हें हमारी ज़रूरत थी तो हम नहीं थे। पर क्या करूँ, अब जब पता चला कि तुम्हें चोट आई है तो खुद को रोक नहीं पाया यहाँ आने से। मैं भी शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो मेरी वजह से, तो सावी कहते नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपके आने से, लेकिन हाँ खैर आपको मेरी फिक्र थी, आप इसी वजह से आए थे। तो अब आपकी मैं आंखों के सामने हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद बोलते हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें चोट नहीं आई पर इलियास को इतनी ज़्यादा आई कि वो। तो सभी कहते हैं हाँ पापा क्या ना कि मुझे तो उसने बचा लिया था, लेकिन इस चक्कर में वो बेचारी खुद जब गाड़ी से नीचे गिरी तो उसके सर में चोट आ गई थी। डॉक्टर ने तो एक बार ऐसी, खैर मैं उस बातों को याद नहीं करना चाहती। इलियास सब ठीक है तो ठीक है। तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ वैसे तुम क्या तो सही हो, और मुझे इलियास को थैंक यू बोलना चाहिए, उसकी वजह से तुम ठीक हो। तो सभी कहती हैं हाँ मुझे पता है। तो उसके डैड कहते हैं हाँ लेकिन, तो सभी कहती हैं हाँ लेकिन आपके पास कहना लेकिन होगा, क्योंकि बचपन से लेके आज तक तो आप यहाँ पे थे नहीं, इलियास आपको जानती नहीं है। अब आप उसे थैंक यू कहोगे तो उसके मन में न जाने कितने सवाल आएंगे, और उन सवालों के जवाब शायद आप ठीक तरीके से नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो इलियास है सभी नहीं। इलियास को अगर गलत लगेगा ना तो वो आपसे क्या देगी, और साफ साफ कहेगी सीधे वो भी कठोर लफ्ज़ों में। तो उसके डैड कहते हैं हाँ मैं इलियास को जानता हूँ। तो सभी कहते कैसे, तो उसके पापा बोलते हैं मतलब कि ऐसे नहीं जानता हूँ, बट हाँ मुझे उसकी नेचर के बारे में पता है। तो सभी कहते हैं चलो ये भी ठीक है, अब अगर आपने मुझे देख लिया हो कि मैं ठीक हूँ तो क्या मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई मुझे आपके साथ देखे और किसी को कुछ भी पता चले, और अगली बार आप भी यहाँ पे मत आइएगा। खामखा में कोई भी बात हो या फिर किसी को कुछ भी पता चले, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ। और वैसे भी आपको तो पता है नानू आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और ना ही मामू आपको पसंद करते हैं, या फिर इस घर का कोई भी मेम्बर आपको पसंद करता है। तो उसके डैड कहते हैं किसी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्या मेरी बेटी भी मुझे पसंद नहीं करती। तो सभी कहती है कि आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास अभी तो नहीं है, पर शायद वक्त आने पर ज़रूर दे दूँगी। और उसके बाद सभी जो है वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन उसके डैड कहते हैं रुको सभी। तो सभी कहती है अब क्या हुआ, तो उसके डैड कहते हैं कुछ वक्त के लिए क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ, इतने टाइम हो गया तुम घर क्यों नहीं चलती हो मेरे साथ दोबारा से। तो सभी कहती है कि वो मेरा घर नहीं है, बचपन में छोड़ दिया था। तो उसके डैड कहते हैं सभी प्लीज़ इतने सालों के बाद तुम वापस आई हो, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मैं मेरी बेटी के साथ रह भी नहीं सकता, मैं कुछ दिन के लिए तो कह रहा हूँ ना। तो सभी कहती है देखिए, लेकिन इतने में उसकी नज़र जो है वो घर के बालकनी की साइड चली जाती है, मतलब इलियास की। तो इलियास जो है वो वहाँ पर खड़ी होती है और वो देख रही होती है। तो सभी जो है फिर अपने डैड से कहती है कि पापा इलियास, तो उसके डैड जो होते हैं वो भी देखते हैं तो वहाँ पे इलियास होती है। तो अब सभी को समझ में आता ना कि वो इलियास को क्या जवाब दे। तो उसके डैड कहते हैं अब अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मैं चलूँ। तो सभी कहती नहीं फ़िलहाल तो आप मेरी इतनी सी हेल्प कर दीजिए कि आप यहाँ से चले जाइए, और रही बात इलियास की तो मैं खुद उससे बात कर लेती हूँ। सो उसके बाद सभी के जो डैड होते हैं वो तो वहाँ से चले जाते हैं, और जो सभी होती है वो रूम में आ जाती है दोबारा से। जब वो रूम में आती है तो इलियास जो है वो बस अपनी बाहें चढ़ा करके उसे ही देख रही होती है। तो अब सभी को समझ में नहीं आता ना कि मैं क्या कहूँ इससे, लेकिन इलियास उससे पूछ लेती है कि सभी वो कौन थे। तो सभी कहती है इलियास वो, तो इलियास कहती है क्या हुआ कहो। तो सभी कहती है कि इलियास मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, और सच जानने का तुम्हें पूरा हक है, इलियास वो मेरे डैड है। तो इलियास जो है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है क्या तुम्हारे डैड। तो सभी कहती है हाँ वो मेरे डैड है। सो इलियास को समझ में नहीं आता ना वो क्या रिएक्ट करे इस बातों पे। तो कहती है अब सभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या कहूँ तुमसे। सभी कहती है कि कुछ मत कहो इलियास, मैं समझ रही हूँ तुम्हारे मन में जो सवाल उठ रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझ रही हूँ। मैं अभी कुछ वक्त पहले ही, मतलब 15 दिन या फिर उससे कम, जब से तुम यहाँ पे आई हो ना उसके बाद मैं उनसे मिली थी। तो इलियास कहती पर तुम्हें कैसे पता वो तुम्हारे ही डैड है, क्या तुम्हारे पास उनकी पहले से कोई तस्वीर थी। तो सभी कहती है हाँ, और मैंने कंफर्म करने के लिए नानू से भी बात करी थी, उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे डैड है।
तो विलास जो है वो सीरियस मूड से अब हैप्पी वाले मूड में सेट हो जाती है कि सच में सब ये तो कितनी अच्छी बात है, तो सब ये इतनी अच्छी बात है, तो विलास तो होने तो क्या, मैं आप वापस आ गई, तुम्हारे डैड वापस आ गए, तो सभी जो है फिर इलियास की सेहत देखती है कि तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो, तो इलियास कहती है कमाल कर रही हो यार, तुम्हें तुम्हारे पापा मिल गए और इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें। और उसके बाद वो सभी को गले लगा लेती है, तो सभी कहती है हाँ क्या तो तुम ठीक ही रही हो, तो इलियास कहती है तुम खुश नहीं हो, तो सभी कहती है हाँ मैं खुश हूँ, तो इलियास कहती खुश क्यों नहीं होगी तुम, इतने सालों के बाद तुम्हारे डैड मिले और तुमने इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मुझे बताई भी नहीं, सभी ये तो बहुत गलत बात है, तो मुझे बताना चाहिए था, और तुमने नानू को बताया, तुम्हारे तो नानू सब कुछ है ना, मेरे दादू तुम्हारे सब कुछ हैं, मैं तो कुछ नहीं लगती हूँ, मुझे कब बताओगे तुम, पता है मैं कितनी खुश हूँ तुम्हारे लिए, पर एक सेकंड, जब तुम उनसे मिली थी तो तुम्हारे चेहरे पे तो ये खुशी नहीं थी, सभी क्या हुआ सभी सब ठीक है ना, तो सभी कहती है सब कुछ ठीक है, और जो सवाल तुम्हारे जहन में वो मेरे में भी है कि इतने साल से वो मुझसे क्यों नहीं मिले, तुम्हारे आने के बाद वो मुझसे मिले थे, हो सकता है जस्ट कोइंसिडेंस, लेकिन इतने टाइम से उन्होंने मुझसे बात नहीं करी, बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं साथ थे और अचानक से आ गए, तो इलियास कहती है फिर तुमने उनसे बात नहीं करी कि वो इतने टाइम से कहाँ थे, सो सभी कहती है मैंने बात तो करी थी लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, तो इलियास कहती है कि ठीक है वैसे सभी मैं मानती हूँ कि जो हो गया हमें उसे भूल जाना चाहिए और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, तुम्हारे डैड अब तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें उनके साथ वक्त बिताना चाहिए, आफ्टर ऑल पूरा बचपन तुमने उनके बिना बिताया और उन्होंने तुम्हारे बिना, कहीं ना कहीं तुम उनकी बेटी हो, कुछ हक तो उनका भी बनता है ना तुम पे, तो सभी कहती है तुम ठीक कह रही हो इलियास, पर तो इलियास कहती पर क्या सभी, अगर साथ रहोगी नहीं तो जानोगी कैसे, तो सभी कहती है कि मगर यहाँ पर क्या कहूँगी मैं, तो इलियास कहती है अरे तुम यहाँ की चिंता मत करो ना, तुम बस तुम्हारी चिंता करो, आपके पूरी ज़िंदगी सबकी फिक्र करती रहोगी, खुद की खुशियों का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है ना सभी, तुम एक काम करो तुम कुछ वक्त के लिए सबको बिना बताए कहीं चली जाओ और बोल देना कहीं घूमने जा रही हो और अपने डैड के साथ चले जाना, मतलब उनके साथ रुक जाना, तो सभी कहती है सच में, तो इलियास कहती है हाँ हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूँगी, मुझे पता है तुम बहुत मिस करती थी ना अपने मम्मी पापा को, मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है, जब बचपन में तुम्हें उनकी ज़रूरत होती थी तुम बस तस्वीर देख लेती अपने मामा की है ना, लेकिन सभी मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुमने आज तक तुम्हारी मामा की तस्वीर मुझे नहीं दिखाई ना, तो सभी कहती है अरे यार तुमसे कैसे छुपाना, हाँ बचपन में छुपाई थी लेकिन अब नहीं दिखा दूँगी ना, तो इलियास कहती है हाँ तो दिखा देना और तुम चाहो तो मैं सबसे बात कर लूँगी, कुछ भी बहाना मार दूँगी यार, तुम्हें तो पता है ना इलियास बहाने मारने में एक्सपर्ट है, और तुम उसके बाद चले जाना अपने पापा के पास कुछ वक्त के लिए, तो सभी कहती है पर मेरा मन नहीं है इलियास वहाँ जाने का, तो इलियास कहती है ओए अपने पापा के पास चले जाओ चुपचाप से, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ऑर्डर है, तो सभी जो फिर हंसने लग जाती है अच्छा, तो इलियास कहती है ऑर्डर क्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कह रही है मेरे ससुर जी के पास चाहिए, तो सभी जो फिर हंसने लग जाती है कि अच्छा तुम्हारे ससुर जी हाँ तुमने कब बना लिए, तो इलियास कहती है बस अभी अभी जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारे डैड है तो मैंने उन्हें अपना ससुर जी बना ही लिया ना, वैसे मैं पापा भी कह सकती हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो कुछ भी कह सकती हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, तो सभी कहती है हाँ तुम कुछ भी कहो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इलियास कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन सभी क्या हुआ, तो सभी कहती है कुछ नहीं यार बस सोच रही थी कि तुम्हें जब पता चलेगा तो तुम कैसा रिएक्ट करोगी, मतलब कि अभी जब मैं नीचे थी और तुमने मुझे मेरे डैड के साथ देखा था तो मैं यही सोची थी कि अब मैं तुमसे क्या कहूँगी कैसे कहूँगी, क्या तुम समझोगी नहीं समझोगी, ये सब कुछ सोचते सोचते ना मेरे सर में दर्द हो गया, तो इलियास कहती है अरे यार इतनी सी देर में सर दर्द हो गया और जो सच था वो तुमने मुझसे कह दिया तो परेशान होने की बात है, और एक सेकंड तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, तो सभी कहते हैं तो इलियास कहती है मेरे पास एक आइडिया, तो सभी थी कौन सा आइडिया, तो इलियास फिर एक तिल की शीशी ले आती है और सभी कहती है सभी वहाँ बैठो, तो सभी कहती है ये क्या कर रही हो, तो इलियास कहती है इसे कहते हैं हेड मसाज जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, वैसे ये मसाज मैं हर किसी को नहीं देती हूँ बस तुम्हें दे रही हूँ, आई बसन में तो बैठो यहाँ पे तुम्हारे सर का सारा दर्द मैं दूर कर दूँगी और
ऐसा लगेगा तुम्हें जैसे तुम तो कोई पंछी हो जो उड़ रही हो। तो सभी जगह फिर स्माइल करने लग जाती है, तो जैसे ये हुई ना बात, चलो आप जल्दी से बैठ जाओ ताकि मैं जल्दी से तुम्हें हेड मसाज दे सकूँ। तो सभी कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो लस्क की ज़रूरत है, और तुम्हें पता है ये ऑयल स्पेशली मैं मेरे लिए लाई थी क्योंकि मेरे सर में दर्द होता है ना, तो मैं इसे लगा लेती हूँ। और तुम्हें पता है इसके अंदर क्या क्या है? तो सभी कहती है रहने दो, वैसे भी इसके अंदर जो जो होगा ना वो मैंने कभी नहीं सुना होगा, तो तुम बस ना मुझे हेड मसाज दे दो, नाम मत बताओ इसके अंदर क्या क्या है। तो लस्क कहती है हाँ, तो वैसे भी तुम आम खाने से मतलब रखो ना, गुटलियाँ गिन के भी क्या करोगी? तो सभी कहती है बिल्कुल, मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, ये तुम्हें समझ में आता है तो तुम समझो, ठीक है। सो सभी जो है फिर बैठ जाती है, और जो इलियास है वो उसे हेड मसाज दे रही होती है, और जो सभी होती है वो स्माइल कर रही होती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था ना इलियास का इतनी उसकी केयर करना, और वो इस बात से भी खुश है कि इलियास जो है वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि उसने ऐसा कोई भी रिएक्ट ही नहीं करा, ना ही सभी के लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाया। सो वो खुश होती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। तो इलियास कहती है लगता है मेरी चंपी तुम्हें कुछ ज़्यादा पसंद आ गई है। तो सभी कहती है कुछ ज़्यादा पसंद आ गया ना, तुम बहुत अच्छे से करती हो। तो इलियास कहती है मैं बहुत काम है ऐसे जिन्हें मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, मौका दोगी? तो सभी समझ जाती है इशारा। तो इलियास की तरफ देख के कहती है कि नहीं, तुम जो काम कर रही हो तुम अभी उस पर ध्यान दो और इधर उधर की बातें मत करो। तो इलियास कहती है अरे यार सभी तुम ना बहुत बोरिंग हो, मतलब सामने से इंसान तुमसे कह रहा है लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं हो। तो सभी कहती हाँ ये इंसान कहना बहुत शैतान है। तो इलियास जो फिर हंसने लग जाती है और कहती है अच्छा चलो जी शैतान ही सही, लेकिन शैतान लोग ऐसे मसाज नहीं करते हैं, फिक्र नहीं करते हैं। तो सभी कहती है हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, और तुम ये मुझसे चाहती हो कि मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँ? तो मैं तुम्हारी तारीफ़ बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ इलियास, आई बात तुम्हारी समझ में? तो इलियास कहती है ठीक है मत करो तारीफ, मगर अब चुपचाप बैठ करके अपनी चंपी का मज़ा तो उठा ही सकती हो ना, तुम्हारे सर में दर्द है बोल बोल के मेरे दर्द मत करो तुम सर में, चुपचाप से बैठ करके इंजॉय करो। तो सभी कहती ठीक है। सो उसके बाद ये दोनों जी अरे ये दोनों क्यों, इलियास होती है वो सभी की मसाज कर रही होती है, और सभी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन दूसरी साइड मतलब कि इलियास की जो मम्मा है वो फ़ोन करती है जी सभी के डैड के पास कि तुमने बात कर ली उससे? तो उसके डैड बोलते नहीं मैंने उससे बात नहीं करी है, और वो इलियास को लेके काफ़ी परेशान है। तो उसकी मामी कहती है कि मुझे पता है वो इलियास को लेके बहुत परेशान है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इलियास की हालत जो है उसकी वजह से मुझे उस पर वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से इलियास की ये हालत हो चुकी है आज। मेरी बेटी ने उसे बचाने के लिए खुद की जान का रिक्स ले लिया, समझ नहीं आता? तो जितना जल्दी हो सके सभी से बात करो और उसे यहाँ से दूर ले जाओ, आई बात तुम्हारे समझ में? कहीं ऐसा ना हो कि अपनी वाइफ को तो खो ही चुके अपनी बेटी को भी खो दो। तो उसकी डैड कहते तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हारे बात समझ में आई? सो इलियास की जो मम्मा है वो कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कह रही हूँ अपनी बेटी को समझा लो और जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर ले जाओ, नहीं तो ऐसा ना हो कि एक इंसान तो जा चुका है तुम दूसरा भी खो दो। एंड उसके बाद वो फ़ोन कट कर देती है। तो सभी की जो डैड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा होता, मतलब कि सभी जो है वो उन्हें टाइम नहीं दे पा रही होती, उनसे बात नहीं कर रही होती है, और वहाँ पर उसकी जान को लेकर इतना खतरा है जिससे जान के उसके जो डैड होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं कि वो किस तरीके से सभी को बताए, कैसे उसे समझाए, या कैसे उसके सामने वो सारी चीज़ें लाएँ, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि फ़िलहाल मुझे वीडियो को यहीं पर ही रोकना है ना। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। और हाँ वो क्या है ना कि वीडियो इस वजह से नहीं हो पा रही थी क्योंकि नेट प्रॉब्लम है, नेट में इशू आ रहा है थोड़ा सा, और मैं जिस लोकेशन पर हूँ यहाँ पर वाईफाई भी नहीं है, मेरा पर्सनल नेट है वो धीरे काम कर रहा है, काम भी बहुत कम कर रहा है। सो सॉरी वीडियो लेट पोस्ट हो रही है, बट हाँ मैं अभी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू डाल देंगे ना वीडियो को एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा भी ठीक रहेगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।